दोस्तों, यह जो 16 साल की उम्र होती है, यह बड़ी संवेदनशील होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति इस उम्र में संभल जाता है तो वह संभल ही जाता है, और अगर व्यक्ति इस उम्र में बिगड़ जाता है तो वह बिगड़ ही जाता है। जब व्यक्ति 9 से 10 साल का होता है तब उसके शरीर में वीर की उत्पत्ति होती है, यानी कि उसके शरीर में वीर उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होते होते यह 16 साल की उम्र में सबसे ऊपर होता है, यानी कि सबसे हाई लेवल पर होता है। 16 साल की उम्र में हमारे शरीर में वीर बहुत तेजी से बनता है, और यह 25 साल तक पहुंचते पहुंचते बहुत तेजी से बनना शुरू होता है, और 16 से 25 साल की उम्र में हमारे शरीर में वीर परिपक्व होता है, यानी कि स्ट्रांग बनता है, वीर अपने आप को ताकतवर बनाता है, और 16 से 25 साल की उम्र में ही हमारे शरीर की अन्य धातु मजबूत बनती है। और यह जो युवा अवस्था का समय होता है, यानी कि 16 से 25 साल, यह बड़ा भयानक होता है, और वो क्यों? क्योंकि इस ही समय काम देवता अपना मुंह दिखाते हैं, और जो बालक, यानी कि 16 साल का बालक, इस काम वासना के मोह जाल में फंस जाता है तो वह उम्र भर रोता ही रहता है। वह 16 साल का व्यक्ति अपने शरीर का सत्यानाश कर लेता है, और आगे 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसको बड़ा पश्चाताप होता है कि काश मैं 16 साल की उम्र में संभल गया होता तो आज हमारे शरीर की यह नौबत नहीं आती। उसी व्यक्ति का आगे चलकर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, यानी कि शरीर अनफिट हो जाता है। उस व्यक्ति को आगे चलकर कई बड़े बड़े रोग घेर लेते हैं। उस व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, यानी कि वह दूसरों की तुलना में वह कम जीता है। 25 साल के पहले का जो वीर होता है वह कच्चा होता है, जैसे कि पेड़ में एक फल होता है, और अगर वह फल कच्चा है तो वह फल तोड़ने लायक नहीं होता। ठीक 25 से पहले का जो वीर होता है वह कच्चा होता है और वह निकालने लायक नहीं होता। और यह जो 25 साल के पहले का वीर होता है, यह इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि इससे भोग विलास किया जाए या हस्त मैथुन जैसी गलत क्रिया की जाए। यह जो 25 साल का वीर होता है, यह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि इस समय खूब व्यायाम करके, खूब अच्छे अच्छे आहार का सेवन करके, शारीरिक मेहनत करके यह वीर हमारे शरीर में पचाया जाए, यानी कि हमारे शरीर में लगाया जाए। अतः यही वीर हमारे शरीर में बल और शक्ति का रूप धारण करे, जिससे यही वीर हमारे शरीर का अंग बन जाए, जिससे यही वीर की चमक उसके चेहरे पर झलके, यानी कि उसके चेहरे पर ओज झलके। जो व्यक्ति हस्त मैथुन जैसी गलत क्रिया में न पड़कर अपने शरीर की धातुओं को संजोकर रखते हैं, यानी कि बचाकर रखते हैं, वह दूसरों की तुलना में काफी आगे निकल जाते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति रोज हस्त मैथुन करता है उसके शरीर में कई ऐसे रोग आ जाते हैं, कई ऐसी समस्याएं होने लगती हैं, और उन्हीं समस्या को ठीक करने के लिए उसका काफी समय नष्ट हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति हस्त मैथुन नहीं करते या वीर नाश नहीं करते, तो ऐसे में उस व्यक्ति का काफी समय बच जाता है, जिससे वह ध्यान अपनी सक्सेस की ओर, यानी कि अपने उद्देश्य की ओर लगा सकता है। दोस्तों, आपको हजारों मौके ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको बार बार मिलें, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जो कि आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलते हैं, और उनमें से है 16 साल की उम्र। यह जो 16 साल की उम्र होती है, यह जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आती है, इसलिए इस उम्र का सदुपयोग करें अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ना कि गलत संगति में पड़कर इस मौके को खो दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहां तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।